अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ अल्लाहु मीथाक़ा वल आमरुकुम अन तत्तख़िज़ुल मलाइकता वन नबिय्यीन अरबाबा अय्यामुरुकुम बिल कुफ्र बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु अल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहु नबिय्यल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन व अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 80 में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया था कि किसी भी इंसान के लिए ये जायज़ नहीं है, किसी भी बशर के लिए जायज़ नहीं है कि वो जो है अल्लाह तबारक व तआला है ना उसे किताब दे, उसे हिकमतें अता फरमाए, उसे नबूवतें अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे कि तुम मेरी इबादत करो। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा कोई इंसान कर नहीं सकता। ये यानी आम फ्रॉड आदमी तो कर सकता है, एक फ्रॉड आदमी है वो तो दावा कर सकता है। मुसलमा कज़्ज़ाब फ्रॉड आदमी था, झूठा था, तो उसने तो दावा किया कि मैं नबी हूँ, है ना, मुझ पर ईमान लाओ, मुझ पर वही आती है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, वो भी फ्रॉड था, तो उसने भी दावा किया कि मैं नबी हूँ। बल्कि ये जितने फ्रॉड हैं ना वो धीरे धीरे इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन आप जितने भी अम्बिया व मुरसलीन हैं उनकी लाइफ में आप देखेंगे, उनकी यानी कि हयात, उनकी ज़िंदगी को देखेंगे तो एक ही बात कि भाई वो अच्छे से रहते आए और फिर उसके बाद एक दिन कहा कि मुझ पर वही नाजिल होती है, मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। लेकिन जितने फ्रॉड होते हैं ना वो एक बात पर अड़े नहीं रहते, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, माइंड सेट उनका बदलते रहता है, किसी भी तरीके से लोग मुझे मान लें, ये उनका यानी कि एक गोल होता है, उनका टारगेट होता है। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को देख लें तो उसका हाल यह है कि वो पहले कहता है कि मैं जो है यानी कि स्टार्टिंग उसने यूँ की कि मैं मेहदी मुंतज़र हूँ, यानी इमाम मेहदी जिनका इंतज़ार किया जा रहा है वो मैं हूँ, है ना। फिर थोड़ी सी उसने तरक्की की तो उसने कहा कि मैं जो है ईसा जो आने वाले हैं वो मैं हूँ। फिर उसने यानी कि हज़रत ईसा ने जो कहा था कि मिन बाद इस्मुहु अहमद, एक आने वाले उनका नाम अहमद होगा, वो अहमद मैं हूँ, है ना। तो अब अहमद हैं तो नबूवत का दावा किया कि मैं नबी हूँ। अच्छा, नबी हूँ, पहले स्टार्टिंग ये कि मुझ पर कशफ होता है, है ना, मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सब बातें खुल जाती है। सबसे पहला वैसे तो अंग्रेज़ों के यहाँ वो नौकर था, है ना, मुलाजिम था, लेकिन उसके बाद उसने वो नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ कर, है ना, वो बाप बहुत बीमार था तो आया, तो उसने पहली वही जो बयान की है ना और पहली अल्लाह की जानिब से जो हुक्म आया वो ये कि वालिद साहब तो अभी बड़ा लंबा जिएंगे, अच्छे हो जाएंगे। दूसरे दिन मर गया उसका बाप दूसरे दिन मर गया, ये इसकी पहले यारी के वही किया, झूठ पकड़ा गया। आगे चलकर भी उसने एक यानी उसके रिश्तेदारों में एक लड़की थी, उससे शादी के लिए उसने कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, यानी मुझे ख्वाब में ये बताई गई और अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम इससे शादी कर लो। उसके घर वाले राज़ी नहीं हुए, तो इसने कहा यानी कि अगर मुझसे शादी नहीं करवाई है ना और किसी और से की तो वो उसी रात में मर जाएगा, अल्लाह ने ये हुक्म वही नाजिल फरमाई है कि वो उसी रात में मर जाएगा, उसको ख़बरदार कर दो। तो हुआ ये कि शादी भी हो गई उस लड़की की दूसरे के साथ, वो अच्छी ज़िंदगी भी गुजारते रहे, एक साल बाद ये मर गया लेकिन वो ज़िंदा रहे। तो कहने की बात ये कि जो ये यानी अलग अलग बातें, बहाई जो है बहाई फ़िरका, एक आप लोगों ने सुना हो ना सुना हो पता नहीं, है ना, दिल्ली में एक लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल लोग घूमने जाते हैं, एक हॉल है लोटस जैसा बना हुआ है बाहर से और बहुत बड़ा गार्डन है और अंदर हॉल है सिर्फ, उसमें टेबल चेयर वगैरह रखी हुई है, टेबल रखे हैं, जाकर बंदा बैठे ऐसे सुकून, वहाँ एकदम इतना साइलेंस होता है कि अगर सुई भी अगर कोई बंदा सुई गिरा दे ना तो उसकी भी आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई दे। तो बड़ा सा हॉल है, हमारी मस्जिद से भी बड़ा हॉल, तो यानी कि इतनी इतना साइलेंस होता है। तो ये कि भाई एक साइलेंस जगह है, आप वहाँ जाकर कोई भी मज़हब का आदमी जा सकता है और जाकर बैठकर सुकून से अपने रब से बातें कर सकता है, यानी उसको एक सुकून मिलता है वहाँ पर। तो ऐसा उन्होंने हॉल बनाया। बहरहाल कहने की बात यह कि वहाँ ये जो बहा था स्टार्टिंग बाबिया से हुई, बाब ईरान में पैदा हुआ बाब, और पहला फ़िरके का नाम था, इनके मज़हब का नाम था बाबिया। बाद में उसका खलीफा जो था, दो खलीफा दो भाई थे, वो उसके खलीफा हुए, बाब के खलीफा दो भाई हुए। फिर उन दोनों के दरमियान आपस में जंग हो गई, यानी लड़ाई झगड़ा हो गया दोनों के दरमियान। तो फिर उसके बाद जब यानी कि ये बहा वालों ने जो है ना उन लोगों को, अपने भाई के भाई और उसके मानने वालों को
मार डाला, ख़त्म कर दिया, दुनिया से ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया। अब वो जब ख़त्म हो गया तो सिर्फ बहा रह गया और उसके मानने वाले रह गए। तो अब ये बहाई फ़िरका, यानी बाबिया थे तो बाबिया से फिर उन्होंने नाम चेंज किया, बहा पर से नाम हो गया बहाइया। तो एक बहाई फ़िरका है दिल्ली में, ये लोग मौजूद हैं और थोड़े बहुत ईरान में होंगे, दिल्ली में थोड़े बहुत हैं। तो बहाई फ़िरका जो है उसका भी, यानी कि जो ये बाब था या बहा था, सब ने, बाब ने भी, बहा के दोनों खलीफा, बाब के दोनों खलीफा बहा और उसका भाई, दोनों ने, है ना, उसका लक़ब था सुबह अजल उसके भाई का और ये बहा, तो दोनों ने जो है ना ये दावे, तीनों ने, बाब ने भी और बाब के दोनों खलीफा ने भी, स्टार्टिंग यूँ की कि मैं वली हूँ, फिर उसके बाद ये कि मेहदी मुंतज़र हूँ, फिर ईसा मौऊद हूँ, जो ईसा आने वाले वो मैं हूँ, फिर उसके बाद चेंज करके मैं नबी हूँ, फिर नबी से आगे बढ़ के रसूल, मुझ पर वही भी नाजिल होती है, किताब भी आती है, अल-अक़दस किताब का नाम, तो वो आती है और उसने सारी अगली किताबों को ख़त्म कर दिया वगैरह वगैरह, है ना। तो सब ने अपनी अपनी किताबें छाप डाली कि भाई मुझ पर वही आती है, बाप की अलग किताब थी, बहा की अलग, उसके भाई की अलग। अच्छा, ये दोनों भाई एक ही ज़माने में थे तो दोनों पर वही नासिल होती, दोनों की अलग अलग किताबें और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में वही आती। कहते अल्लाह ने, यानी मुझ पर वही नासिल फरमाई कि वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, उस पर वही आती, अल्लाह ने मुझ पर वही नासिल फरमाई, वो तो ऐसा, वो तो वैसा, तो दोनों आपस ही में बहरहाल। लेकिन फिर बाद में वो सब ख़त्म हो गए, बाबिया फ़िरका ख़त्म और बहाई रह गया। तो उनके यहाँ भी ये सब होता रहा, कभी ये, कभी वो, कभी वो, तो ये चेंजेस होते रहते हैं। नबी और रसूल जो होगा, सच्चा नबी और रसूल होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। फिर कभी इमाम मेहदी या मुंतज़र, कभी हज़रत ईसा मौऊद हो जाते हैं, कभी जो ईसा आने वाले थे वही मैं हूँ, फिर कभी नबी हो जाते हैं, कभी। अच्छा, फिर बहाइयों में आगे तो यहाँ तक हुआ कि हर खलीफा में, यानी कि बहा में अल्लाह ताला आ गया, अब बहा की इबादत करो, बहा के सामने सजदा करो, अल्लाह जो है वो बहा के अंदर आ गया। हालांकि इस्लाम में हुलूल नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई किसी के अंदर घुस नहीं सकता। एक कहते ना इमाम हुसैन आते हैं तो फला पीर आते हैं, गौसे आज़म नहीं आ सकते, अल्लाह ने ये रास्ता ही बंद रखा है, कोई रूह किसी के जिस्म में जा नहीं सकती। वो एक जिन्नात हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो जहाँ देखो ना, कोई कह रहा है कि मुझ पर पीर आते हैं, कि मुझ पर शहीद आते हैं, इमाम हुसैन की सवारी आती है और फला की सवारी आती, किसी की कोई सवारी नहीं आती, वो जिन्नात होते हैं जो शरारत करते हैं। और ऐसा वाक़ हमें अल्लाह के रसूल के ज़माने में मिलता भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक काफिर जिन था, वो बुत के अंदर घुस गया, एक मूर्ति के अंदर घुसा और घुसकर उसने बोलना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो झूठे हैं, वो तो अल्लाह के रसूल नहीं हैं, वो ऐसा वैसा, यानी बुराइयाँ शुरू कर दी। ये बंदा जिसका बुत था, ये बड़ा खुश, इतना खुश हुआ, उसने तो सब सारे लोगों को दावत दे डाली कि मेरा बुत बोला, है ना। एक तो पहली बात, इनको पता था कि कभी बोलता नहीं, पहली बार बोला, तो ये ताज्जुब की बात थी, और बोला भी तो हुजूर के ख़िलाफ़ बोला, है ना। तो बड़ा खुश था, सारे लोगों को दावत, कल आ जाओ मेरे घर, कहा ठीक है। तो सारे लोग खुश के, चलो अपने को कुछ तो पॉइंट मिला हुजूर के ख़िलाफ़, कुछ तो हमको, है ना, ऐसी मजबूत दलील मिल गई कि अब हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। अपने हमारे लोग जो हमें छोड़ छोड़ कर उनकी तरफ भाग रहे हैं, हम उन्हें रोक तो सकते हैं कि नहीं भाई, हम बराबर हैं, हम सही है, देखो अपने खुदा ने भी कह दिया है अब तो, है ना। ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी। तो दूसरे दिन सारे लोग, हुजूर को भी पता चला, हुजूर को भी दावत दी कि आप भी आइएगा, हुजूर ने कहा ठीक है, सारे लोग पहुँचे, हुजूर भी पहुँचे। अब लोग कह रहे हैं हाँ भाई बुलवा, तो इसने कहा हाँ भाई बोलो, है ना, इनके बारे में क्या कहते हो। तो उसने कहना शुरू किया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ए लोगो इन पर ईमान ले आओ, एक अल्लाह की इबादत करो, बाकी किसी की इबादत, शुरू हो गया हुजूर की तारीफ में। इसको बड़ा गुस्सा आया, कल तो बुराइयाँ कर रहा था, आज इनके सामने उनकी तारीफें शुरू कर दी। अब फिर दूसरी बात, कल तो मेरे ही सामने बुराई कर रहा था, अब तो पूरी कौम है, पूरी कौम के सामने इनकी तारीफ कर रहा है। तो उसे बड़ा गुस्सा, उठा के पटका सा ज़ोर से दीवार पर दे मारा, उसे पटक दिया। तो कहने की बात यह कि सरकार तो वापस वहाँ से तशरीफ़ ले गए। जब वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक बंदा खड़ा था, हाथ में तलवार खून से लगी हुई, यानी खून लगी हुई तलवार लेकर खड़ा था। उसने सलाम किया, सरकार ने सलाम का जवाब दिया, कहा ये क्या है। तो उसने कहा रसूलल्लाह, मैं जिन हूँ, मोमिन जिन हूँ, आप पर ईमान लाया हुआ हूँ, और कल जो बुत में घुसकर जिसने बोला था वो काफिर था, मैंने उसे कत्ल कर दिया और मैं अंदर आ गया था, मैं अंदर आया था और मैंने बोला। तो जिन्नात आ सकते, लेकिन कोई रूह किसी और के जिस्म में घुसे ऐसा नहीं हो सकता।
तो बहरहाल ये इन्होंने फिर ये कहा कि अल्लाह ताला गुलाम अहमद कादियानी में सॉरी बहा में घुस गया और वो यानी इसकी इबादत करो। तो इंसान की इबादत, मुसलमानों में अगर कोई इंसान की इबादत करवाता है तो बहाई फ़िरका है ना, तो इंसानों की इबादत शुरू किया, बहा की करो। और फिर आगे चलकर यानी और बढ़े कि अब ये यानी बहा मर गया तो उसका बेटा खलीफा बना, याहिया उसका बेटा खलीफा बना तो उसके अंदर खुदा आ गया, तो अब इसकी इबादत करो। फिर वो मर जाए उसके बाद का यानी जो जो खलीफा बनता जाए अल्लाह उसके अंदर आ जाए उसकी इबादत करो, अब उस आदमी की इबादत करनी है। तो ये उन्हीं लोगों जैसा अकीदा है, वो भी कहते हैं कि नहीं भाई ईश्वर तो एक है लेकिन वो अवतार लेता है, अवतार लेकर आता है। अल्लाह ताला किसी अवतार का मोहताज नहीं है, अल्लाह को किसी अवतार की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमा कि कोई बंदा ये कह दे, जबकि ये तो फ्रॉड लोग कह सकते हैं, वरना अगर सच्चा नबी और रसूल हो जिसे अल्लाह ने किताब दी, अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, अल्लाह ने हिकमतें अता फरमाई, वो कभी नहीं कह सकता कि मेरी इबादत करो। वो तो बाकायदा इसीलिए आया कि तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा दे, वो कहेगा कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। वो ये कहेगा कि तुम रब्बानी हो जाओ, अल्लाह वाले हो जाओ, है ना, वो तुम्हें किताब सिखाएगा, किताब का इल्म देगा। आगे रब इरशाद फरमाता है 80 नंबर की आयत में, वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकत वन नबियीन अरबाबा, और वो तुम्हें ये हुक्म नहीं देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को है ना अरबाब यानी कि रब बना लो, वो तुम्हें हुक्म नहीं देगा। वला यअमुरुकुम, वो तुम्हें हुक्म नहीं देगा अन तत्तखिज़ुल मलाइकत वन नबियीन, कि तुम फरिश्तों को और नबियों को बना लो क्या अरबाबा, रब बना लो, खुदा बना लो, है ना। तो वो यानी कि जो अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ नबी और रसूल होगा वो कभी ये हुक्म नहीं देगा कि तुम नबियों को खुदा बना लो या तुम फरिश्तों को खुदा बना लो, किसी को भी खुदा। तो न हज़रत ईसा ने ये कहा कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ तो मेरी इबादत करो, न हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूँ या खुदा का बेटा हूँ तो मेरी इबादत करो, और न ही किसी नबी ने यह कहा कि फरिश्ते, ये कुफ़ार मुशरिकीन का ये अकीदा था, कुफार का अकीदा था है ना, मक्का के कुफार का, कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, तो अल्लाह ने उनका भी रद्द फरमाया। कहते हैं कि और नबी रसूल जो होगा वो ये भी नहीं कहेगा कि फरिश्तों को तुम अपना रब बना लो। यअमुरुकुम बिलकुफ्र बाद इन अंतुम मुस्लिमून, क्या वो तुम्हें हुक्म देगा कुफ्र करने का जबकि तुम मुसलमान हो गए उसके बाद, जब तुम मुसलमान हो गए, इस्लाम ले आए, ईमान ले आए, उसके बाद वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म देगा। जो भी बंदा ऐसा काम करेगा वो काफिर हो जाएगा। तो नबी की ये शान नहीं हो, ये शान नहीं हो सकती कि वो तुम्हें किसी और की इबादत का हुक्म दे अल्लाह के सिवा। तो बहरहाल ये यानी कि यहूद व नसारा के ख़िलाफ़ ये आयतें नाज़िल हुई थी कि यहूद व नसारा ने अंबिया किराम की इबादतों की तरफ दावत दी, कहते हैं कि नबी का ये काम नहीं, और कुफ़ार मक्का जिन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा तो उनका भी रद्द हो गया कि फरिश्ते भी वो भी न खुदा हैं न खुदा के साथ शरीक हैं। बल्कि ताज्जुब तो इस बात पर कि नबी और रसूल जो है ना वो तुम्हें दावत दे रहा है इस्लाम की, वो ईमान की दावत देता है, एक अल्लाह पर ईमान लाओ मुझ पर, और ईमान देकर फिर अगर वो किसी और की इबादत करवाएं तो ये तो फिर कुफ्र होगा, और किसी नबी से ये बात मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि आगे आयत नंबर 81 है, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَهُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ। ये आयत नंबर 81 है, और ये आयत जो है ना वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के ताल्लुक से ये आयत मुबारक है। हाँ, और अक्सर मीलाद के महीने में इस आयत मुबारक पर लोग उलमा जो हैं वो तकरीर करते हैं, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की मीलाद मनाई है अल्लाह ने, बल्कि ये मीलाद ऐसी है कि विलादत से पहले विलादत का जिक्र है, पैदाइश से पहले पैदाइश का जिक्र है। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है, वहीद अख़ज़ अल्लाह मीसाक़न नबियीन, और याद करें महबूब, याद करें जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया यानी कि अहद लिया, वादा लिया, अहद लिया, बिल्कुल पोख्ता अहद और वादा लिया, और वो क्या था, लमा आतई तुकुम मिन किताबिम व हिकमा, कि जब मैं तुम्हें किताब दूँ और तुम्हें हिकमत दूँ यानी किताब व हदीस, कुरान व हदीस, या जो उनके ज़माने की तौरात और हदीस, या इंजील और हदीस, ज़बूर और हदीस, कोई सहीफ़ा
और हदीस, तो कहते हैं मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता करूँ, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास ऐसा रसूल आए कि जो तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी तस्दीक करने वाला हो, यानी उसे सच करार देने वाला हो, उसकी तस्दीक करने वाला हो। क्या हज़रत मूसा के पास जो है वो भी सही है, वो सच्ची किताब थी, हज़रत ईसा के पास थी सच्ची किताब थी, हज़रत दाऊद के पास थी सच्ची किताब थी, हज़रत आदम के सहीफे थे सच्चे थे, हज़रत नूह के सहीफे सच्चे थे, हज़रत इब्राहिम के सहीफे सच्चे थे, वो ये तस्दीक करने वाला हो, है ना। तो कहते हैं कि कोई तुम्हारे पास ऐसा, फिर तुम्हारे पास ऐसा रसूल आए जो तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी तस्दीक करने वाला हो, लतुमिनुन्नबी, तो तुम उस पर ज़रूर भी ज़रूर ईमान लाओगे, वलतान सुरन्नहू, और ज़रूर भी ज़रूर तुम उसकी मदद करोगे। ये आयत मिसाक है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत मिसाक में ये, यानी कि इससे एक आयत जो है उसमें ये बयान फरमाया कि रब ने सबको जमा किया था और उनसे फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने कहा कौल बोला हाँ हाँ तो हमारा रब है, तो सारे लोगों को ये इकरार करवा के हटा दिया गया। फिर एक मखसूस जमात और वो थी अम्बिया इकराम की जमात, सारे अम्बिया मुसलीम की रूहें मौजूद है ना, और उन सारी रूहों में है ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमाया कि देखें तुम वो लोग हो, बाकी जो आम थे उनको हटा दिया है, तुम वो लोग हो कि मैं तुम्हें अगर नबुवत दूँ, नबी बनाकर ज़मीन पर भेजूँ, तुम्हें किताब दूँ, हिकमत दूँ, है ना, हिकमत से मुराद भी नबुवत, तो नबुवत भी अता करूँ किताब भी दूँ, फिर तुम दुनिया में जाओ, फिर तुम दुनिया में काम कर रहे हो रह रहे हो, और अचानक तुम्हारे पास एक ऐसा अज़ीमुश्शान रसूल आ जाए, है ना, तो क्या तुम उसकी मदद करोगे, तुम उस पर ईमान लाओगे, यानी ज़रूर भी ज़रूर तुम उन पर ईमान भी लाओगे। यहाँ सवाल नहीं कर रहा अल्लाह ताला कि करोगे, ऐसा सवाल नहीं, हमसे पूछा था अलस्तु रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, सवाल था हूँ, हमने कहा हाँ हाँ है, लेकिन यहाँ सवाल नहीं है मैं ऐसा करने वाला हूँ, ये खबर दी जा रही कि मैं ऐसा करूँगा, तुम सबको नबी बनाकर भेजने वाला हूँ ज़मीन में एक के बाद एक, मैं किताब भी दूँगा नबूवत भी अता करूँगा, है ना, फिर तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल आ जाए जो तुम्हारी तस्दीक करता हो, जो कुछ तुम्हारे पास है मौजज़ात हो, किताब हो, हिकमत हो, तुम्हारी बातें हैं सब की वो तस्दीक भी करता हो कि ये सही है, है ना, और ऐसा रसूल आ जाए तो फिर तुम्हें ज़रूर भी ज़रूर उस पर ईमान लाना होगा और ज़रूर भी ज़रूर उसकी मदद करनी होगी, करोगे। तो अब यहाँ जो अल्लाह तबारक तआला ने बात फरमाई, क़ौल अक़रर तुम, अब अल्लाह तआला फरमाता ये करना पड़ेगा, फिर अब ने फरमाया अक़रर तुम, क्या तुमने इकरार किया, यानी क्या मांगते हो तुम, इकरार करते हो कि ऐसा करोगे, है ना, तो फिर आगे वाख़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस पर तुम मुझसे पोख्ता वादा करते हो, अहद करते हो, तो ये जो है ना अल्लाह तबारक तआला ने इन आयात में अपने महबूब की शान बयान फरमाई है। हालांकि अल्लाह ताला तो जानता था कि मैं सबसे लास्ट में भेजने वाला हूँ, इतने लास्ट में कि जब किसी नबी का ज़माना नहीं रहेगा, बल्कि आखिरी नबी हज़रत ईसा नबी और रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके भी 570 साल के बाद मैं पैदा करूँगा। हज़रत ईसा और सरकार के बीच में 570 साल का फासला, बीच में कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं, तो अल्लाह तो जानता था कि मैं तो बहुत लास्ट में भेजने वाला हूँ, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इनके ज़माने में आने का, है ना, लेकिन फिर भी अल्लाह ने एक वादा ले लिया कि अगर वो तुम्हारे ज़माने में आ जाए तो फिर तुम्हें क्या करना है, तुम यानी पूरी उम्मत तुम पर ईमान लाई थी, तुमको उस रसूल पर ईमान लाना होगा, पूरी उम्मत तुम्हारी मदद करे, तुम्हें मेरे रसूल की मदद करनी होगी। अब रसूल की मदद क्या करनी होगी, तुम कलमा पढ़कर उनके उम्मती बन जाओगे, नबी होकर उम्मती हो जाओगे, तो तुम्हारी सारी की सारी उम्मत भी उनकी उम्मत हो जाए। अब तुम्हें दावत देनी होगी लोगों को, ऐ लोगों अब तक तुम मेरा कलमा पढ़ते थे, अब इनका कलमा पढ़ो, अब तक तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे आदम सफ़ीउल्लाह था, या नूह नजीउल्लाह था, इब्राहिम खलीलुल्लाह था, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह था, अब कलमा चेंज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा चेंज, है ना, तो तुम ईमान लाओगे और तुम उनकी मदद करोगे, ज़रूर करोगे, यानी ईमान भी ज़रूर लाओगे और तुम उनकी मदद भी ज़रूर करोगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इन अम्बिया इकराम से वादा लिया, और सारे अम्बिया इकराम ने अल्लाह तबारक व तआला से ये इकरार किया और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली,
तो रब ने इसी को फरमाया कि वह अखस तुम अला ज़ालिकुम इसरी, तुम इस बात पर क्या करते हो, मेरा बोझ उठाते हो, यानी कि मेरा अहद लेते हो, बिल्कुल पक्का वादा। फरमाते कालू अकरना, तो सारे अंबिया इकराम ने कहा अकरना, हाँ हम इकरार करते हैं, हमने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे। कौल फशहदू व अना मअकुम मिन शाहिदीन, अल्लाह फरमाता है तो आपस में गवाह हो जाओ, फशहदू आपस में एक दूसरे के गवाह हो जाओ, तुम इसके गवाह, ये तुम्हारे गवाह, आपस में एक दूसरे के भी सारे लोग गवाह हो जाओ कि सब ने माना है इस इकरार को, सब ने माना है, तो एक दूसरे के भी गवाह हो जाओ। वह अना, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, अना मअकुम मिन शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ, यानी कि तुम आपस में एक दूसरे पर गवाह और तुम सब पर मेरी गवाही, मैं भी गवाही देता हूँ इस बात की कि तुमने इस बात का इकरार किया है कि तुम उस रसूल पर ईमान लाओगे, तुम उनकी मदद ज़रूर करोगे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया इकराम से अहद लिया, मीसाक लिया, है ना, आलम अरवाह में, है ना। इसके ताल्लुक से कुछ और भी बातें इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हम बयान करेंगे, फिर आगे की तफसील इंशाअल्लाह बयान होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।